ओम शांति। मेडिटेशन के श्रृंखला में आज हम देखते हैं कि कई बार कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन तो करना चाहते हैं, परंतु जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है। उस मन को शांत कैसे किया जाए? मन शांत हो तभी तो मेडिटेशन हो। परंतु उसके लिए मैं आपको बताती हूं कुछ विधि कि मन अगर शांत नहीं हो रहा है, बहुत बाहरी विचारों में भटकता है, तो प्रथम अवस्था जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, उस प्रथम अवस्था में हमेशा लहरें अनेक उत्पन्न होंगी, बार बार चला भी जाएगा, लेकिन जैसे ही हम जागृत होते हैं उस मन को वापस उस आत्मस्थिति की ओर ले आए। इसीलिए मेडिटेशन की प्रथम अवस्था को कहा ही गया है मनन चिंतन की अवस्था या एक विचार सागर मंथन की अवस्था। विचार सागर मंथन भावार्थ ये कि हमारा मन जो है एक सागर की तरह है। जिस तरह नदी के अंदर देखो, कभी कभी ऐसा एक ठहराव आ जाता है कि जैसे पानी एकदम स्टिल हो गया, कोई लहरें नहीं, पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देता है। तालाब में भी ऐसा होता है, लेकिन समुद्र के अंदर कभी भी आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समुद्र में निरंतर लहरें चलती ही रहती है, छोटी छोटी लहरें भी चलती ही रहेगी, कभी बड़ी बड़ी लहरें उठेगी और कभी देखो तो तूफान खड़ा हो जाता है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे मन के अंदर भी विचारों की लहरें निरंतर चलती रहती है, कुछ न कुछ मन सोचता ही रहता है, कभी कोई क्षण ऐसा नहीं कि हाँ हमारा मन आज बिल्कुल असोचता वाली स्थिति में हो गया, नहीं, निरंतर लहरें चलती रहती है। कभी कभी मन परेशान हो जाता है तो बड़ी बड़ी लहरें भी मन के अंदर उठती है, और कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम जीवन के अंदर आ गया तो बस एक तूफान सा खड़ा हो जाता है मन के अंदर भी। इसीलिए मन की कंपैरिजन हमेशा एक समुद्र के साथ की गई है, जहां निरंतर लहरें चलती रहती है। तो विचारों का ये सागर है और ये सागर का मंथन करना है। शास्त्रों में इसीलिए कहावत है कि जब सागर मंथन हुआ देव और असुरों के बीच में, तो सबसे पहले विष निकलता है, फिर देवताएं जब बेहोश होने लगे तो शिवजी को पुकारा, शिवजी ने आकर के वो सारा विष ग्रहण कर लिया, फिर सागर मंथन हुआ और फिर एक से एक चीजें निकलती गई और अंत में वो अमृत कलश निकलता है। ये वास्तव में मेडिटेशन की प्रथम अवस्था है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक तरफ देव है, एक तरफ असुर है। मन को जो पॉजिटिव विचार हम देते हैं ये देव समान है, लेकिन मन को जो आदत पड़ी हुई है नेगेटिव और व्यर्थ सोचने की, ये असुर बराबर है। तो मेडिटेशन की प्रथम अवस्था में ये सागर मंथन होता है। कुछ पॉजिटिव विचार चलते हैं तो कुछ बीच में नेगेटिव विचार आ जाते हैं, फिर पॉजिटिव विचार चलते फिर नेगेटिव विचार, तो ये सागर मंथन हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। तो हमारे अंदर भी कई जन्मों का संस्कार भरा पड़ा है, और जो विष को हमने अंदर में समाया हुआ है नेगेटिविटी का, अब जब ये सागर मंथन होगा तो उस डीप अनकॉन्शियस लेवल से
वो बातें उभर करके कॉन्शियस लेवल तक भी आती है जो विष के बराबर होते हैं। और ये विष जब नीचे से निकलता है, यानी ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं कि आपको लगता है ये क्या हो रहा है, मैं मेडिटेशन कर रही हूं या मेडिटेशन इज इम्पॉसिबल फॉर मी। डर भी जाते हैं कई लोग, इतने नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो विष जब निकलता है, क्योंकि हमारे मन की ये चार परतें हैं, एक है कॉन्शियस लेवल, एक है सुप्रा कॉन्शियस जो बहुत ऊंच अवस्था है जिसको तो अनुभव करना बाकी है, फिर है सब कॉन्शियस लेवल, और एकदम डीप डाउन में है अनकॉन्शियस लेवल। तो अनकॉन्शियस लेवल यानी कोई पिछले जन्मों के कई संस्कार नीचे बैठे हुए हैं। जब सागर मंथन करेंगे तो नीचे की चीजें तो ऊपर आएगी, तो अनेक जन्म का वो विष बाहर निकलेगा तो जरूर। तो उस समय देवताएं बेहोश हो जाती, यानी पॉजिटिविटी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त डरना नहीं है कि मेरा तो मेडिटेशन कभी होना ही नहीं है। उस समय शिव जी का आवाहन करें, यानी परमात्मा शिव को स्मरण करें, उसका आवाहन करते हुए ये नेगेटिविटी का सारा विष उसको अर्पण कर दे। इसीलिए भक्ति में शिव के मंदिर में जब जाते हैं ना, तो धतूरे के फूल चढ़ाते हैं जो सबसे पॉइजनस होते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं, मोतिया गुलाब ये फूल नहीं चढ़ते हैं, सुगंधित फूल नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव ने भी आकर के हमारे अंदर का जो जहर है, विष है, जब उसका स्मरण किया, ये विचार सागर मंथन में जब मेडिटेशन में बैठते हो और अनकॉन्शियस लेवल से जब वो विष उभरने लगता है, तब उसने भी उसको स्वीकार कर लिया है। इसीलिए डरने की बात नहीं है। उस वक्त निराकार शिव का स्मरण करें, उसका आवाहन करें और उसको ये सारा विष अर्पित कर दे, ये विचार भी अर्पित कर दे। कई बार कई लोग सोचते हैं कि इतने बुरे विचार हम परमात्मा को कैसे अर्पित करें। अरे, यही तो भक्ति में भी करते आए हैं, अर्पित कर सकते हैं, वो खुशी से स्वीकार कर लेगा और ही स्वीकार भी कर लेगा। और जो देव बेहोश हुए हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स बेहोश हो गए हैं, उसको वापस जागृत भी कर लेंगे। फिर वापस ये विचार सागर मंथन शुरू होता है, धीरे धीरे एक एक चीज अंदर से निकलने लगती है, अच्छी चीजें भी तो समाई हुई वो निकलने लगती है, और अंत में वो अमृत कलश भी अंदर ही है, वो अमृत कलश भी निकलेगा। और जब वो अमृत कलश निकलेगा, तब असुरों को वो अमृत नहीं मिलता है, देवों को मिलता है, जिससे वो अमर हो जाते हैं, यानी पॉजिटिविटी को वो प्राप्त हो जाता है, और उसी से ही हमारे पॉजिटिव थॉट्स सदा के लिए फिर अमर हो जाते हैं। इसीलिए वो अमृत कलश लक्ष्मी जी ने धारण किया, मोहिनी रूप धारण करके, अर्थात लक्ष्मी हमारे जीवन में लक्षण है, हमारे अच्छे लक्षण उस अमृत कलश को धारण करती है, और तब वो विचारों को कायम कर देते हैं, और जो नेगेटिव विचार है वो सदा के लिए मिट जाते हैं। तब कहा कि ये हार माननी नहीं है, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। मनन चिंतन में मन इधर उधर भी जाएगा, कोई हर्जा नहीं। जैसे एक वैद्य होता है ना, तो वैद्य भी जब दवाई देता है, किसी को स्किन डिजीज होता है और उसको जब दवाई देता है तो क्या कहता है, ये दवाई लेने से पहले बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि वो जड़ से निकलती है, और इसीलिए जब जड़ से निकलती है तो वो बीमारी बढ़ेगी। लेकिन उसमें घबराना नहीं है, ये लेते जाओ, जैसे ही बाहर निकल जाएंगी उसके बाद वो एकदम साफ हो जाएगा, जड़ से खत्म हो गई। ठीक इसी तरह मेडिटेशन करने से कई बार जो अनकॉन्शियस लेवल पर कई जन्मों के संस्कार के रूप में जो विष अंदर है वो निकलेगा बाहर। डरना नहीं है,
ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम सब उसमें से गुजरे हुए हैं। और जब वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, फिर देखो वो अमृत कलश जैसे ही निकलता है, मन इतने सुंदर विचार करने लगता है और लगता है कि जैसे सचमुच मन सुमन हो गया, इतने सुंदर विचारों से सुगंधित हो गया। और वो खुशबू जैसे हमें ईश्वर प्रदान करता है। तो ये मेडिटेशन की प्रथम अवस्था है। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए, आज मेडिटेशन करते हैं, आत्मचिंतन भी करते हैं। अपने बीच बीच में अगर कोई विचार और बाहर के आ जाए, कोई हर्जा नहीं, स्वाभाविक है ये प्रक्रिया। वापस अपने मन को ले आए और ले आ करके फिर से शिव जी का आवाहन करते हुए वो विचार उनको अर्पित कर देते हैं। तो चलिए मन को आत्मस्थिति में स्थित करते हैं और अंतर चक्षु से मन को सहजता से आत्मचिंतन में ले जाते हैं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं, निर्मल हूं, ईश्वर के धाम से जब इस संसार में मैं अवतरित होती हूं, तो शुद्ध पवित्र निर्मल स्वरूप है मेरा, निर्दोष रूप है। परंतु समय का चक्र चलते अनेक चोला बदली करते हुए, अनेक जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हुए, मैं आत्मा अनेक प्रकार की अशुद्धियों को भी स्वयं में समाहित कर लेती हूं। अब कुछ देर के लिए ध्यान में मैं आत्मा अपनी उस वास्तविकता की ओर जाती हूं, अपने निर्मल स्वरूप जागृत करती हूं। और विचारों का सागर मंथन होता है, देव और असुरों के बीच में कभी कभी उन गहरे परतों से अनेक जन्म के अशुद्ध संस्कार भी उभरते हैं, परंतु मैं आत्मा निर्भय हूं। उस विष को परमात्मा शिव जी का आवाहन करते हुए, हे पिता परमात्मा, आज आपको ये विष समर्पण करती हूं। मेरे पिता परमात्मा, उस विष को भी सहजता से स्वीकार कर लेते। अब पुनः विचारों के सागर का
मंथन होने देती हूं और धीरे धीरे अमृत कलश को अनुभव करती हूं। मन एकदम हल्का, अनेक प्रकार के बोझों से मुक्त, एकदम लाइटनेस महसूस करती हूं। और ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करती हूं। ओम शांति।